भारत हमेशा से ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी और सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाला देश रहा है, लेकिन 1906 में हुई इस घटना ने भारत के भविष्य को बदल कर रख दिया। 1906 में ढाका में सैयद अहमद खान और आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के पॉलिटिकल और एजुकेशनल राइट्स की मांग रखी और सभी भारतीयों को एक समान अधिकार देने की बात की। जोश और जुनून के साथ उन्होंने देश में घूम घूम कर लोगों को खड़ा किया और अपनी जगह का दावा करने के लिए एकजुट किया।